तो दोस्तों आज 26 मई 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है, तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि सितंबर माह में हर हाल में रीट 2020 परीक्षा आयोजित करवा दी जाएगी। रीट भर्ती परीक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा यही प्रयास रहेगा कि सितंबर के पहले सप्ताह में रीट की परीक्षा आयोजित की जाए। वहीं सेकंड ग्रेड की शिक्षक भर्ती परीक्षा भी जल्द आयोजित की जाएगी। सबसे पहले प्राथमिकता बोर्ड की परीक्षाओं को आयोजित करवाना है। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए थे और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए महज 10 दिन का वक्त चाहिए। कोविड-19 हर जिले में तेजी से फैल रहा है, इसलिए अभी सेंटर बढ़ाने का कार्य चल रहा है। जल्द ही परीक्षाओं की तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। लॉकडाउन के चलते स्थगित हुई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं की नई तिथियां इसी सप्ताह घोषित हो सकती हैं। सरकार परीक्षा तिथि तय करने को लेकर गंभीरतापूर्वक मंथन में जुटी है और इसी सप्ताह निर्णय सामने आ सकता है। आपको बता दें, इस प्रदेश के 20 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। सरकार को 12वीं की परीक्षा को लेकर कोई परेशानी नहीं, लेकिन मामला 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर है, जहां लगभग 11 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाना बोर्ड के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती बनी हुई है। जलदाय विभाग में साल 2013 में घोषणा के बाद भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। वर्ष 2013 में 1294 पदों पर तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। विभाग ने ना तो इस भर्ती की अब तक रद्द करने का ऐलान किया है और ना ही इस भर्ती को पूरा करने को लेकर गंभीरता बरती जा रही है। आपको बता दें, इस एक भर्ती के अलावा पिछले 30 सालों में जलदाय विभाग में तकनीकी कर्मचारियों की कोई बड़ी भर्ती नहीं निकाली गई है। एकमात्र यह भर्ती ही निकली है और वह भी अब फाइलों में दबकर रह गई है। शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों पर होने वाले डीपीसी की पात्रता सूची में सीनियर शिक्षकों को दरकिनार करने का आरोप लगाया गया है। विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है। आपको बता दें, ज्ञापन में सेकंड ग्रेड से व्याख्याता पदों पर डीपीसी मेरिट के आधार पर करने सहित राज्य स्तरीय पात्रता सूची में रही त्रुटि को सुधारने की मांग की गई है। शिक्षक नेताओं ने ज्ञापन में बताया कि शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर हो रही डीपीसी में सत्र 2012-13 में आरपीएससी से सीधी भर्ती से चयनित 11,865 वरिष्ठ अध्यापकों के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 से संबंधित ज्वाइनिंग और नोट ज्वाइनिंग वाले अभ्यर्थियों की सूचना मांगी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को आदेश जारी किए हैं। संयुक्त निदेशकों से 7 दिन में कार्यग्रहण नहीं करने वाले और कार्यग्रहण करने वाले तथा न्यायालय वाद व स्थानांतरण के कारण मंडल परिवर्तित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रमाणित सूचना मांगी गई है। CBSE ने 10वीं 12वीं की परीक्षा केंद्रों की संख्या 5 गुना तक बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि परीक्षा केंद्रों पर भीड़भाड़ अधिक ना हो, छात्र सुरक्षा और सहजता के साथ परीक्षा दे सकें। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के मुताबिक ये परीक्षाएं 3,000 की जगह अब 15,000 केंद्रों पर आयोजित होंगी। गार्गी एवं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना में प्रदेश की 1,02,624 बालिकाओं को 42.78 करोड़ रुपये की राशि उनके खातों में स्थानांतरित करना शुरू हो गया है। इसमें भीलवाड़ा जिले की 1,496 बालिकाएं शामिल हैं। आपको बता दें, 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षा 2019 में 75% या इससे अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार के लिए कक्षा 10वीं की जिले की पात्र 720 बालिकाओं को प्रति बालिका 3,000 रुपये के आधार पर 2.16 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन के दौरान शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ना स्कूलों में बच्चों की परीक्षा हो पाई और ना ही अब तक आगे की पढ़ाई का कुछ तय हुआ है। आपको बता दें, शिक्षा विभाग के अधिकारी और मंत्री लगातार इस कवायद में जुटे हैं कि इस तरह से इस व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जाए। इस संबंध में शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग के आगे की योजना की विस्तार से जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग की सबसे पहली प्राथमिकता बोर्ड की परीक्षाओं को आयोजित करवाना है। उन्होंने कहा कि हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है और परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू हो गई है। हमारा प्रयास यह है कि जल्द से जल्द परीक्षाओं और हम इसके लिए महज 10 दिन का समय लेंगे। फिलहाल सेंटर बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है।
तो साथियों ये थी आज 26 मई 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।